वेलकम टू टेबल ट्रीट विद सितापा। आज हम बनाएंगे एक इंडो कॉन्टिनेंटल कॉम्बो वाइट सॉस चिकन विथ हर्ब राइस, जो हमारे घर के जो जेंजी मेंबर्स हैं उनको तो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। चलिए बना लेते हैं। सबसे पहले हम एक पैन में 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल ले लेंगे और उसमें 2 टेबलस्पून चॉप्ड गार्लिक ऐड करेंगे। और ये गार्लिक को हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हाफ मिनट के लिए इसको हम थोड़ा सा सौते कर लेंगे। फिर इसके अंदर हम डालेंगे 1 बोनलेस चिकन ब्रेस्ट, उसको इस तरह से क्यूब्स में काट के मैंने डाला है। आप चाहे तो इसको स्ट्रिप्स में भी काट सकते हैं। अब जैसे ही चिकन में थोड़ा सा कलर चेंज होना शुरू हो जाए, फिर हम एक लिड लगा देंगे और चिकन को अपने ही जूस में पूरा अच्छा सा 100% कुक कर लेंगे। एकदम लो हीट में 7-8 मिनट चिकन को पकाने के बाद चिकन एकदम पूरा कुक्ड हो गया है, पानी अभी भी है। अब हम इसमें कुछ बेल पेपर्स ऐड कर देंगे, ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें, नहीं चाहे तो नहीं डालें। आप चाहे तो इसमें मशरूम्स भी ऐड कर सकते हैं। और हम इसको हल्का सा सौते कर लेंगे और पानी को कम्प्लीटली सुखा लेंगे। फिर ये सारे चीज़ को एक बोल में निकाल लेंगे। अब उसी पैन में हमें 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल और 1 टेबलस्पून बटर ऐड करना है। तेल इसीलिए हमने डाला ताकि बटर जल ना जाए। फिर हम इसमें 1 टेबलस्पून मैदा ऐड करेंगे और एकदम लो हीट में थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए 1 मिनट के लिए, मैदे को हमें अच्छे से सौते कर लेना है ताकि मैदे का जो कच्चापन है वो कम्प्लीटली चला जाए। फिर हम इसमें टोटल 300 ml दूध ऐड करेंगे, पर एक बार में नहीं, बारी बारी, अदरवाइज ये मैदे का जो लम्प्स है ये ऐसे ही रह जाएगा। और थोड़ा थोड़ा करके अगर हम इसमें दूध डालेंगे तो जो हमारा वाइट सॉस बनेगा ये बहुत ही एक स्मूथ अच्छा सा वाइट सॉस बन के रेडी हो जाएगा। फिर हम इसमें थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डाल देंगे, फिर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और ओरिगैनो ऐड कर देंगे और साथ में जो चिकन और वेजीज था वो भी हम ऐड कर देंगे। हम नमक इसमें थोड़ा हल्का सा ही डालेंगे क्योंकि हमने जो सीजनिंग वाला ओरिगेनो डाला है उसमें भी नमक होता है। हीट को हमें थ्रू आउट एकदम लो ही रखना है, अदरवाइज ये मैदा बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। अब इसमें मैंने 1 चीज़ क्यूब को ग्रेट करके डाल दिया है, ये तो मस्ट है। चीज़ डालने के बाद बस आधा मिनट के लिए हमें इसको सौते कर लेना है और फिर गैस को ऑफ करके ढक के थोड़ी देर रख देना है। अब हर्ब राइस के लिए हमें 1 टीस्पून ऑयल ले लेना है और उसमें 1 टीस्पून बटर ऐड कर देना है और फिर 1 टेबलस्पून गार्लिक को अच्छे से चॉप करके इसको भी हमें ऐड करना है। हर्ब राइस के लिए हमें गार्लिक को थोड़ा ज़्यादा पकाना है, मतलब हल्का सा कलर आ जाए तब तक हमें गार्लिक को सौते कर लेना है और फिर हम इसमें स्वाद अनुसार नमक और ब्लैक पेपर ऐड कर देना है और फिर ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स भी डाल देना है। और नियम वही है, नमक थोड़ा सा कम डालेंगे क्योंकि हम वही सीजनिंग वाला ओरिगैनो डाल रहे हैं। बस 30 सेकेंड के लिए हमें इसको सौते कर लेना है और हमें एकदम थ्रू आउट हीट को लो ही रखना है। फिर इसमें हम ऐड करेंगे कुक्ड राइस, जो भी आप रेगुलर राइस खाते हैं वही ऐड कर देना है और फिर इसको थोड़ा सा सौते कर लेना है। ये भी बस 30-40 सेकेंड के लिए ही सौते कर लेना है, अदरवाइज चावल जो है वो बिल्कुल कुक्ड है तो वो एकदम कड़क होना शुरू हो जाएगा अगर ज़्यादा हम इसको फ्राई करेंगे। अब हर्ब राइस है, हम थोड़ा सा देसी हर्ब भी डाल देते हैं, हरा धनिया भी ऊपर से थोड़ा सा डाल देंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये पूरा कॉम्बो बनने में 30-40 मिनट्स का टाइम लगता है। रेसिपी अच्छा लगा तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ और देखते रहिए मेरे वीडियोज़।